गाजियाबाद में साइबर ठगी का एक मामला सामने आया है। यहां डीबेट क्रेडिट कार्ड एवं पेटीएम के जरिए लोगों के खाते खाली करने वाले जालसाजों के निशाने पर अब फास्टैग धारक भी आ गए हैं। साइबर ठगों ने फास्टैग कर्मचारी बनकर लोगों को चूना लगाना शुरू कर दिया है। इस तरह के मामले में जिन्स कारोबारी की पत्नी के खाते से 1 लाख से ज्यादा रुपए उड़ गए। बताया जा रहा है कि थाने में फास्टैग से जुड़ा पहला मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों तक पहुंचने के लिए साइबर सेल से मदद ली जा रही है। जी, थाना सिहानी गेट में राजनगर एक्सटेंशन में सांगवान हाइट सोसाइटी पड़ती है, वहीं की रहने वाली ये तपस्या गुप्ता है। उनके द्वारा थाना में ये प्रार्थना पत्र दिया गया है कि उनसे फास्टैग में ऐप डाउनलोड करने को लेकर के लगभग 1,13,000 की ठगी की गई है। इस संबंध में थाना सिहानी गेट पर मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है और इस पूरे मामले में इंस्पेक्टर सिहानी गेट को निर्देशित किया गया है कि निष्पक्ष रूप से जांच कर जो भी दोषी हैं इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की। लेकिन निश्चित रूप से एक चैलेंजिंग ये पूरा पार्ट है, क्योंकि इस तरह के मामले अभी कम आए हैं सामने, लेकिन इस पूरे प्रकरण में हमारे यहाँ भी साइबर सेल है जिसके माध्यम से जाँच हम करवाते हैं और इंस्पेक्टर द्वारा स्वयं इसकी विवेचना की जाती है। तो इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा निश्चित रूप से हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और दोषी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी।